Mohammad Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 8 of exercise number 2.5. The statement of this question is x raised to power 9 minus 2 raised to power 9 and x plus 2. अब हमने ये देखना ये है कि ये जो second वाला polynomial है ये क्या इसका एक factor है या नहीं है. तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो इसको suppose कर लेते हैं कि ये x raised to power 9 minus 2 raised to power 9 that is equal to p of x. इसको हम ये suppose कर लेते हैं कि ये p of x के equal है. अब इसके साथ ये जो x plus 2 है इसको हम ये suppose कर लेते हैं कि ये this is equal to 0. So, यहां से हमने x की वैल्यू को लिया तो x की वैल्यू यहां पे हमारे पास minus 2 आ गई. अब ये जो x की वैल्यू minus 2 है ये हम p of x में यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया तो ये p of minus 2 is equal to आ जाएगा minus 2 raised to power 9 minus ये 2 raised to power 9 इसी तरह से है. नेक्स्ट अगर आप ये आपको याद होगा कि ये माइनस की पावर अगर ऑड आ जाए तो इसका आंसर माइनस ही रहता है. तो इसका होल आंसर यहां पे आ जाएगा माइनस यानी माइनस की पावर 9 का माइनस ये बाहर निकल आया और 2 रेज़ टू पावर 9 इसी तरह से है. अब 2 रेज़ टू पावर 9 का ये मतलब है कि 2 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड सो ऑन अप टू 9. तो इसका आंसर आ जाएगा 512. इसका आंसर भी 512. तो ये -512 -512 इज इक्वल टू -1024. अब क्योंकि ये -1024 जो है ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0. अब क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो फैक्टर थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये इसका आंसर 0 आ जाए तो वो फैक्टर है. लेकिन अगर इसका आंसर 0 ना है, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो सेकंड पॉलीनोमियल फर्स्ट पॉलीनोमियल का फैक्टर नहीं है. इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया कि सेकंड पॉलीनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलीनोमियल. इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स.